तो अभी जो आप लोग ये वीडियो क्वालिटी देख रहे हो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल के अंदर आपको पता चल जाएगा कैसी वीडियो क्वालिटी आती है। तो कैमरा की क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगी और ऑडियो क्वालिटी तो आपको पता चल ही रही है। तो अब और भी टेस्टिंग करते हैं आगे। वैसे दोस्तों कैमरा के सेंसर से ऑडियो क्वालिटी का तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, अपने को तो यहाँ पर चेक करना है कि कौन से मेगापिक्सल में कैसी फोटोस आती है, अच्छा सा एक कंपैरिजन करना है। तो इसके लिए मेरे पास है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल के AI कैमरास, क्वाड सेटअप, ट्रिपल सेटअप, जो लेना है ले लो। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों ही फ़ोन के अंदर सैमसंग के कैमरा सेंसर है और तीनों के ही अंदर MIUI की ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब Xiaomi के फ़ोन है तीनों, तो सब में सेम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह रहेगा फ़ोन का और सभी में सेम सेटिंग्स में। दोस्तों मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ के सैम्पल क्लिक करूँगा, थोड़े अलग अलग कंडीशन में, लो लाइटिंग में, अंदर बाहर, सनलाइट में, और वीडियो की भी क्वालिटी आपको मैं बताता हूँ। तो और दोस्तों ऐसी वीडियोस को एडिट करते वक्त इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना कि दिमाग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो यार ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कंपैरिजन, तो यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा हुआ है और कौन से सेंसर से है फोटो ये आपको पता नहीं है अभी। और जो पोजीशन है दोस्तों सेम रहने वाली है और आप लोग गेस कीजिए कमेंट सेक्शन में पहले कि कौन से नंबर पे कौन से सेंसर की फ़ोटोज़ चल रही है, मतलब 48, 64 या 108। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है इंडोर कंडीशन में ली हुई फ़ोटोज़ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंस वगैरह आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोगों ने गेस तो किया ही होगा और अब मैं रिवील कर देता हूँ कि 1, 2 और 3 है 48, 64 और 108। और यहाँ पर अगर फोटोज़ को हम लोग जूम करते हैं तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए RK लिखा हुआ है, जो डिटेल्स है बढ़ती जा रही है और यहाँ पर गाड़ी का नंबर भी आप देख लीजिए, डिटेल्स जो है बढ़ती जाएगी जब भी आप हैवी लाइट के अंदर फोटोज़ को क्लिक करोगे। और इस फोटो में 64 मेगापिक्सल ने थोड़ा सा ब्लू कर दिया है, मगर डिटेल्स 64 और 108 ने काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया और 48 ने भी काफ़ी सही कमाल किया है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कम लाइट के अंदर, ये देखिए ये वाली फ़ोटो, और इसमें भी आपको दिख जाएगा कि डिफरेंस तो है सेंसर का आसानी से। और इस वाली फ़ोटो में भी आप देखिए ब्लर इफेक्ट जो है 108 मेगापिक्सल में बेटर है बाकी फ़ोटोज से। और यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो सैंपल देख सकते हो तीनों फ़ोन से, और आपको शायद वीडियो सैंपल में इतना कुछ पता ना चले मगर मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो डिटेल्स में दोस्तों वीडियो में तो सेंसर का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 64 और 108 में काफ़ी बढ़िया वीडियोस आप ले सकते हो, डिटेल्स काफ़ी बढ़िया आएगी। और कैमरा सेंसर के अंदर अगर मैं बताऊँ तो लो लाइट के अंदर दोस्तों जो है जितना छोटा सेंसर होता है उतना बढ़िया ये परफॉर्म करता है, मगर नॉइज़ वगैरह भी कैप्चर कर लेता है कभी कभी फ़ोटो को अच्छा करने के लिए। और यहाँ पर जो है 108 मेगापिक्सल को कम लाइट में जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। 108 और 48 ने दोस्तों कॉन्ट्रास्ट जो है बढ़ा दिया लो लाइट के अंदर, बल्कि 64 मेगापिक्सल ने काफ़ी हद तक थोड़ा सही काम किया है हर जगह। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रांड्स जो है मार्केटिंग करती है कि हमारे पास 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 108 मेगापिक्सल है, तो ये सब जो है दोस्तों इनसे फ़र्क तो पड़ता है। वैसे जितना ज़्यादा बड़ा सेंसर रहेगा, जितनी अच्छी लाइट रहेगी, उतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलेगी, मगर आपको अगर फ़ोटोज़ चाहिए कि डायरेक्टली क्लिक की और अच्छी फ़ोटो आ जाए जिसमें आपको ज़्यादा जूम वगैरह करने की ज़रूरत वगैरह ना हो, या आप करते भी नहीं हो वैसे, तो आपको फ़र्क पड़ेगा जो फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है, कैमरा की जो प्रोसेसिंग होती है फ़ोटोज़ की उनसे भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और जो अलग अलग फ़ोन के जो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों वो भी अलग अलग कैमरा सेंसर को सपोर्ट करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में बड़े सेंसर जो है यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर जो प्रोसेसर है सपोर्ट कर सकता है ऐसे ही फ़ोटोज़ को।
और दोस्तों मेरी चॉइस की बात करूँ तो मैं हमेशा ऐसे कैमरा सेंसर को चूज़ करूँगा जिसके अंदर जो है फ़ोटोज़ नेचुरल हो, ज़्यादा डिटेल्स हो, एकदम रॉ फोटोज़ हो जिसको मैं एडिट कर सकूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों एडिटिंग आती है। और ऐसे जो कंज्यूमर है, ऐसे यूज़र्स है स्मार्टफोन के जिनको एडिटिंग वगैरह आती हो, 1% से भी दोस्तों कम है। 99% जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करते हैं, फ़ोटो अच्छी आई कैसी भी आई उसको डायरेक्टली पोस्ट करते हैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी। और जो है इसीलिए दोस्तों जो प्रोसेसिंग है फ़ोटोज़ की, जो सॉफ्टवेयर का ऊपर काम करना ज़रूरी हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं उनके अंदर काफ़ी बढ़िया जो है फ़ोटोज़ आती है, काफ़ी अच्छी जो है सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया जाता है। और जो बजट सेगमेंट वाले दोस्तों ब्रांड्स हो गए, जैसे Xiaomi हो गया, Realme हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटोज़ तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है अगर हम बात करें प्राइस के कंपैरिजन में। और ये लोग भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और जो कैमरा सेंसर होते हैं दोस्तों उसकी क्वालिटी से भी फ़र्क पड़ती है। और जो मोड्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग AI के, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी ड्यूअल वीडियो वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग मोड, और जो पिक्सल बाइंडिंग की जाती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है वो भी। तो ये सब जो ओवरऑल चीज़ें हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और दोस्तों जो एप्पल के आईफोन होते हैं उनके अंदर तो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज़ किया जाता है, मगर जो प्रोसेसिंग होती है, जो ओवरऑल फ़ोटो का आउटपुट हमें देखने को मिलता है, वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं बजट सेगमेंट वाले, वो 2-3 साल बाद फ़ोन के अंदर अपडेट देते हैं और आपके कैमरा की क्वालिटी जो है कम कर देते हैं, जिससे कि आपको अपनी फ़ोटोज़ बुरी लगे और जो है आप लोग जाके नया स्मार्टफोन खरीद ले। तो ऐसा सब कुछ भी करते हैं ब्रांड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कोई भी क्वेश्चन हो मन में, मैं ज़रूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।